हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, अभी है दिन का टाइम और दिन के टाइम में मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं नीरू नेगी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरू नेगी नैनीताल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज ना सुबह से यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 3-4 दिन से यहाँ बारिश का ही मौसम था, लेकिन सुबह से ना इतनी मूसलाधार बारिश हो चुकी है, मैं आप लोग को मतलब क्या ही बताऊं। पूरा जो हमारा रोड का काम चल रहा था वहाँ बिल्कुल पानी भर चुका है, कीचड़ कीचड़ हो रहा है। और फिलहाल अभी भैया लोग आए हुए हैं जो बाउंड्री वाल का काम कर रहे हैं अपनी, और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी मेरे ऊपर से हो रही है। मतलब जिस समय मैं आई छत में तो उस समय तो बारिश रुकी हुई थी, लेकिन फिर से होने लग गई है। और काले काले घने बादल भी छाए हैं, कहीं कहीं पर सूर्यदेव दर्शन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी ना जैसे मैंने आप लोग को अपने पहले के ब्लॉग में दिखाया था कि मेरे घर में पेंट का काम चल रहा है, तो फिलहाल थोड़ा बहुत सामान तो अभी फैला हुआ ही है। तो घर के अंदर और घर के बाहर तो पेंट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ देखिए जो हमारा गोट है यहाँ होना बाकी है कलर। और तो पहले के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मुझे कई लोग हमारे घर में बधाई देने भी आ रहे थे। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि बधाई किस चीज़ के लिए दी जा रही थी। तो काफ़ी समय बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जब मतलब मेरा रिश्ता तय हो चुका है। तो शादी होने वाली है मेरी, अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है कि डेट क्या है, क्योंकि आज ही हमारे घर में मेरे होने वाले ससुराल से कुछ लोग आए हुए हैं, हमारे वहाँ लगन देने आते हैं यानी कि डेट फिक्स करने। तो बस वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, अपना डिस्कस चल रहा है, उन लोगों का बातें चल रही है बातचीत। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, बारिश के बाद हमारा गाँव कितना सुंदर लग रहा है। तो नीचे है हमारा गाँव और ऊपर देखिए आसमान में काले काले घने बादल छाए हुए हैं, और दूर पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं जहाँ बादल छाए हुए हैं। देखिए आज पहाड़ियाँ भी क्लियर नज़र नहीं आ रही क्योंकि वहाँ भी बादल लगे हुए हैं। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं अपने गार्डन की तरफ। तो यहाँ नीचे खड़े हैं वो लोग, भैया के साथ बातचीत चल रही है। और इधर ये देखिए, यहाँ भैया लोग काम कर रहे हैं अपना। तो अब मैं आ गई हूँ छत से नीचे, और ये हैं मेरे होने वाले ससुराल से सबसे बड़े वाले जिया जी, प्रणाम। और ये हैं मेरे बड़े जिया जी, दीदी तो आई नहीं है, दोनों बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और इधर बाकी लोग खड़े हैं जिनको मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, एक दर्शन करा देती हूँ सबके। तो बाकी लोग सामने खड़े हैं, भैया के साथ गपशप चल रही है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में जहाँ लेडीज़ पार्टी बैठी हुई है। ये मेरी ईजा है, ये मेरी मौसी है, यहाँ मेरी ससुराल पक्ष से दो दीदियाँ हैं, ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, और ये बीच वाली दीदी है, छोटी दीदी आई नहीं है। और अब मैं दिखाती हूँ सबको किचन डिपार्टमेंट। तो किचन का कार्यभार किसने संभाला है वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ से बड़े जिया जी भी आ रहे हैं हमारे, ये दोनों साइड से है बिचौलिया। ये मेरे यहाँ से जिया जी है, वहाँ से मेरे होने वाले जेठ जी हो गए ये। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो किचन डिपार्टमेंट देखो कितने लोगों ने संभाला हुआ है यहाँ। यहाँ पर हमारा मंथन, यहाँ हमारी बेबी, आज बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इन पे। ये देखो पूरी बेली जा रही है, यहाँ पर लोहिया बना रही है हमारी बेबी। ये हैं बड़ी भाभी जो पूरी भी फुला रही हैं और मुँह ना फुला पूरी की तरह मुँह भी बना रखा है। तो गर्मा गर्म पूरी यहाँ पर आ चुकी है। और इधर भाभी दाल वाल साफ कर रही है, यहाँ किरण प्लेट पे पोस रही है, देखो साफ कर रही है कपड़े से। इधर को देख, मेरी बहू रानी है ये। तो अब यहाँ सबके लिए खाना सर्व किया जा रहा है, हमारी बेबी जा रही है खाना लेके। तो यहाँ बैठ गए हैं दीदी लोग। और यहाँ बाकी लोग खाना खा रहे हैं। दूर से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये हमारे जिया जी स्पेशल बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और अब यहाँ पर हमारा मंथन आ गया है, इधर लॉबी में पूरी बेल रहा है रघु मशीन से। दोस्तों, खाना पीना हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ चीजें लेके, यानी कि लड्डू और रसगुल्ले लेके। और वहाँ सभी का डिस्कशन चल रहा है कि बारात कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। और अभी डेट भी बस लगभग फिक्स हो ही गई है, तो देखते हैं अभी कौन सी डेट होती है, वो तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए मैं जा रही हूँ अंदर, मिठाई लेने के लिए।
तो ये देखिए बाहर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरा ये जाली वाले दरवाजे से भी अंदर बारिश आ रही है। देखिए तो दोस्तों अंदर उन सब की चल रही है बारिश से रिलेटेड। ये देखिए दोस्तों कितनी भयंकर की बारिश हो रही है, पूरा आंगन पानी से भर गया है। तो बाहर तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और अंदर सबका डिस्कशन चल रहा है, बारात कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन सी डेट को होगी, अभी वही सब बातें चल रही हैं अंदर। और बारिश ने तो भाई गजब ही कर दिया है, आज कभी रुक रही है कभी हो रही है, और जब हो रही है तो बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। और यहाँ ये देखो बेबी को मिठाई का इंतज़ार हो रहा है, बेबी मिठाई खा ली? नहीं खाई। तो दोस्तों फाइनली सारा जो भी बातें हैं सारी डिस्कस हो चुकी हैं और अब मुझे बुलाया जा रहा है वहाँ पिठियाँ लगाने के लिए। और उसके बाद पहले मुझे पिठियाँ लगाया जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने मेरे ससुराल पक्ष वालों को पिठियाँ लगाया जाएगा। तो चलिए मैं जाती हूँ वहाँ। बड़ी दीदी टीका लगा रही हैं। तो फाइनली दोस्तों डेट फिक्स हो चुकी है और मुझे टीका पीठा भी लग चुका है और अब सब लोग जा रहे हैं अपने घर को। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम, देखिए कितना बिगड़ है, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ। अभी मेरी विदाई नहीं हुई है, मौसी रोने लग गई। एक बराती यहीं रहेगी तुम्हारे, एक बराती यहीं रहेगी। तो ये देखिए यहाँ हमारी मिली भी आ गई है, काफी टाइम से ये गायब थी। मिलू इधर बेटा, मिली के लिए फ्रॉक बनाई है। तो दोस्तों सब लोग जा चुके हैं और अभी बस खेमा दी रही हैं यहाँ, ये हमारे पड़ोस में ही है तो इसलिए इनको छोड़ने मैं जा रही हूँ यहाँ तक गेट तक। चलो ठीक से पढ़ा फिर हूँ हाँ, ठीक से बाय। और यहाँ से चेतन आ रहा है और बाकी सब कुछ अच्छे से निप गया है काम। और अब हम लोग खाते हैं खाना, क्योंकि बाकी लोगों ने तो खा लिया था, कुछ लोग बचे हैं यानी मैं बची हूँ अभी। ईजा ने भी बहुत देर में खाया, मैंने खाना नहीं खाया है, तो चलो मैं खा लेती हूँ। और मौसम देखिए बूंदाबांदी हो रही है। तो चलिए मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर।